वेलकम फ्रेंड्स यूएसजीटी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जीन स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स डिस्कस करेंगे। ये एसपी यूनिवर्सिटी के सेम 5 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है DNA as genetic material, structure and chemistry from of DNA। ये दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और दूसरे वीडियो में हम रेप्लिकेशन और उसका रोलिंग सर्कल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स और जीन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आप जानते ही होंगे लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर फॉर्म होता है और विदाउट प्रोटीन होता है, और यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है और प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स स्मॉल होते हैं 17 स्क्वायर बग के, और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स लार्ज होते हैं 80 स्क्वायर बग के। तो ये कुछ पॉइंट थे कि जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स से डिफरेंट होते हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रोकैरियोट के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स में इनमें से ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए इन साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए साइटोप्लाज्म में होते हैं और यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस में होता है। तो जो सेल का प्रोसेस है, सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस, वो सारे तकनीक है, वो तकनीक और सो वो सारे प्रोसेस साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स में होते हैं। इसके लिए यूकैरियोट्स के जैसे प्रोकैरियोट्स को न्यूक्लियस को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स से प्रोकैरियोट में जो प्रोसेस होती है वो इजीली होती है, क्योंकि उसे न्यूक्लियस को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये तब की बात है कि जब हम लोग जानते ही नहीं थे कि कोई जेनेटिक मटेरियल होता है और वो ट्रांसफ़र होके अपने हैबिट दिखाता है। तब उस जमाने में, तब उस टाइम पे न्यूमोनिया डिसीज़ हुआ, तो उस डिसीज़ के डायग्नोसिस और उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्रिफिथ्स साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वो बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है, और उन्होंने फिर उसके बारे में स्टडी की और न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में से दो स्ट्रेन
निकाली। एक स्ट्रेन थी स्मूथ स्ट्रेन, उसे एस स्ट्रेन नाम दिया गया, और दूसरी स्ट्रेन थी आर स्ट्रेन, उसे रफ स्ट्रेन नाम दिया गया। ये स्मूथ स्ट्रेन थी वो पैथोजेनिक थी, स्मूथ स्ट्रेन पैथोजेनिक थी, और आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक थी। ये दोनों स्ट्रेन को निकालकर ग्रिफिथ्स ने एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर। तो उन्होंने सबसे पहले जो एस स्ट्रेंथ, जो पैथोजेनिक स्ट्रेन थी, उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो उसका परिणाम ये आया कि माइस डेड हो गया। और दूसरे में उन्होंने डायरेक्ट आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, जो निमोनिया में से निकाला था, जो स्ट्रेन निमोनिया में से निकाला था। तो देखा तो उसमें माइस जिंदा रहा। और थर्ड में उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया और फिर इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो भी माइस जिंदा रहा। और फोर्थ में उन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन एंड लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो पाया कि माइस डेड हो गया, मर गया। तो इस फोर्थ टाइम के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में ऐसा ट्रांसफर हुआ कि जो नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन को पैथोजेनिक स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, और उसे ही ग्रिफिथ ने नाम दिया ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने इसे नाम दिया जीन। अब हम ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के हमने आगे बात की, वही पॉइंट है कुछ। ये ए पॉइंट है जो ये ए फिगर को दिखाते हैं। तो इसमें क्या किया कि सेल को इंजेक्ट किया माइस के अंदर एस स्ट्रेन को, और माइस डाइड हो गया। और बी स्ट्रेन में क्या हुआ कि माइस को आर स्ट्रेन से इंजेक्ट किया, तो माइस लाइव हुआ। सी में क्या किया, तो हीट किल एस स्ट्रेन किया, हीट किल किया ये देखो बर्नर के ऊपर, और माइस लाइव रहा। और तीसरे में क्या किया कि हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स किया, और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस डेड हो गया। और उसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकाला कि दिस चेंज ऑफ नॉन वायोलेंट बैक्टीरिया इंटू वायोलेंट पैथोजेंस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ कॉल दिस चेंज ऑफ नॉन वायोलेंट बैक्टीरिया इंटू वायोलेंट पैथोजेंस कॉल ट्रांसफॉर्मेशन। तब जाके पता चला कि ऐसा कुछ जीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसके अकॉर्डिंग दूसरे साइंटिस्ट ने 1944 में एक्सपेरिमेंट किया, उनका नाम था एवरी मैकार्टी मैक्लियोड। वो तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया एवरी मैकार्टी मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट 1944 में। उनकी हाइपोथेसिस में ये था कि जेनेटिक मटेरियल को सेल में एंजाइम देके और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना।
आपको डीप में समझाता हूँ कि ये है, ये थी हाइपोथेसिस जो मैंने अभी आपको बताई कि क्या डाला था उन्होंने पहले, तो प्रोटीन डाला, न्यूक्लिक एसिड डाला और डीएनए और आरएनए डाला, और फिर चेक किया, एंजाइम डाल के चेक किया, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला था। इससे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिपिड शुगर वो तो हो गई, और हीट किल एस्ट्रेन को डाला, ये एस्ट्रेन है उसे हीट किल किया, उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। तो अब इस टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से हुए, एस्ट्रेन हुए, एससीएल हो गए, शुगर हो गए, लिपिड्स होंगे और एससीएल होंगे, ये तीनों होंगे। अब दूसरे स्टेप में ऐसे तीन टेस्ट ट्यूब ली उन्होंने जिसमें उन्होंने हीट किल एससीएल को डाला, और उसके बाद इन तीनों टेस्ट ट्यूब में उन्होंने फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम डाला, प्रोटीएज एंजाइम, सेकेंड ट्यूब में आरएनएज एंजाइम डाला, और थर्ड ट्यूब में डीएनएज एंजाइम डाला, और तीनों ट्यूब में अलग अलग एंजाइम ऐड करने के बाद, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोटीएज एंजाइम वो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, आरएनएज एंजाइम वो आरएनए को डिग्रेड करते हैं, और डीएनएज एंजाइम वो डीएनए को डिग्रेड करते हैं। वैसे उन्होंने एंजाइम डाला, एंजाइम ऐड किया, तो क्या टेस्ट ट्यूब में से जो जिस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम डाला उस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, जिस टेस्ट ट्यूब में आरएनए डाला, आरएनए ऐड किया, आरएनएज ऐड किया है उस टेस्ट ट्यूब में आरएनए नहीं पाया जाएगा, और जिस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीएनएज ऐड किया उस टेस्ट ट्यूब में डीएनए नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो एंजाइम है, एंजाइम डिग्रेड कर देगा। और उसके बाद उन्होंने फ्लास्क लिया, तीन फ्लास्क लिए, और तीनों में आर स्ट्रेन मतलब आर सेल को ऐड किया तीनों फ्लास्क में, तो क्या हुआ, आर सेल को ऐड किया तो उन्होंने पाया कि जिस फ्लास्क में प्रोटीएज एंजाइम, जिस फ्लास्क में आरएनएज एंजाइम डाला था, ऐड किया था, उस फ्लास्क में एस सेल मिला, और जिस सेल में डीएनएज एंजाइम ऐड किया था उस फ्लास्क में एस सेल नहीं मिला। तो इससे अकॉर्डिंग उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑफ डीएनए, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड डीएनए, देयरफॉर इट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से हमें जीनेटिक मटेरियल के बारे में, जीन के बारे में पता चला, और प्रॉपर डीएनए ही जीनेटिक मटेरियल है, वो एवरी मैकार्टी और मैक्लियोइन के एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब आगे ये प्रेस्कॉट की इमेज है जो हमने डिस्कस की
फ्लास्क के और टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग, और ये डायरेक्ट है। कौन कौन सी कॉलोनी मिलती है, कौन कौन सी कॉलोनी नहीं मिलती उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये ब्लू से टिक किया है देखो, और उसमें क्या पाया गया, एस सेल कॉलोनी। आपको क्वेश्चन होगा कि इस दोनों में भी एस कॉलोनी मिलती है, लेकिन देखो कि क्या है, ये दोनों में एस सेल ही है, इसलिए एस कॉलोनी मिलेगी, क्योंकि ये प्रोमिनेंट है। और इसमें आर सेल है और एस सेल की ओनली डीएनए है, और फिर भी हमें क्या मिला, एस कॉलोनी। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके हमें एवरी मैकार्टी और मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला उन्होंने। अब आगे तीसरा एक्सपेरिमेंट है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो उस एक्सपेरिमेंट हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया था। उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरियोफाज लिया और उस बैक्टीरियोफाज को रेडियो लेबल किया, T2 बैक्टीरियोफाज को, इसे T2 बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, और ये ग्रीन से रेडियो ग्रीन है, ग्रीन इसलिए है कि ये रेडियो लेबल है। लेकिन देखो कि ये ए वाली फिगर है, यानी कि ये फर्स्ट वाली फिगर है, उन्होंने उसमें S35 प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया, और ये दूसरी वाली फिगर है उसमें P32 डीएनए को रेडियो लेबल किया और एक्सपेरिमेंट किया। तो हम अब देखते हैं डीप में क्या उनका कंक्लूजन और क्या एक्सपेरिमेंट है। तो व्हेन ईकोलाई वाज इन्फेक्टेड विथ T2 बैक्टीरियोफाज कंटेनिंग S35 प्रोटीन, मोस्ट रेडियो एक्टिव रिमेन आउटसाइड द होस्ट सेल। तो इसे इस T2 बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिव किया S35 प्रोटीन से, और दूसरे में उस बैक्टीरियोफाज को ईकोलाई बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने के लिए भेजा और इंजेक्ट किया। तो इंजेक्ट करने के बाद देखा तो उसमें कुछ रेडियो लेबल कंपोनेंट दिखाई नहीं दिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम यह कह सकते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तहत नहीं हो सकता। और बी, व्हेन T2 बैक्टीरियोफाज कंटेनिंग P32 डीएनए, क्या P32 डीएनए वाज मिक्स द होस्ट बैक्टीरिया, तो P32 बैक्टीरियोफाज को P32 डीएनए को रेडियो लेबल किया और ईकोलाई बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, तो ईकोलाई बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल P32 डीएनए पाया गया। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, व्हेन T2 फाज कंटेनिंग P32 डीएनए वाज मिक्स विद द होस्ट बैक्टीरियम, द रेडियो एक्टिव डीएनए वाज इंजेक्टेड इनटू द सेल एंड फाज वेयर प्रोड्यूस। फर्स्ट डीएनए वाज कैरिंग द वायरस जीनेटिक इंफॉर्मेशन। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ डीएनए। तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
उसके बाद प्यूरीन और पिरिमिडिन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उसके बाद हमें डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। तो पहले देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो प्यूरीन और पिरामिडिन बेस होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडिन बेस होते हैं और राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर होते हैं। शुगर और बेस हम दोनों बात कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, बेस, और इसे शुगर कहते हैं। तो बेस और शुगर, बेस कौन कौन से, प्यूरीन और पिरिमिडिन बेस, और शुगर राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड कब बनेंगे, जब राइबोस शुगर होगी तब न्यूक्लियोसाइड बनेंगे और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कब बनेंगे, जब डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी तब। अब उनके साथ फॉस्फेट एसिड ऐड होंगे, न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट एसिड ऐड होंगे और हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, साइड, और ये है टाइड, न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और वो कन्वर्ट होंगे न्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारे डीएनए और आरएनए। अब मैं आपको ये बताता हूँ प्यूरीन और पिरिमिडिन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो ये रिंग है पिरिमिडिन रिंग है और ये रिंग है प्यूरीन रिंग है, यानी कि पिरिमिडिन रिंग वन स्ट्रक्चर रिंग है और प्यूरीन रिंग टू स्ट्रक्चर रिंग है। वन स्ट्रक्चर रिंग और टू स्ट्रक्चर रिंग, हम पहले बात करेंगे पिरिमिडिन के बारे में। तो पिरिमिडिन वन स्ट्रक्चर रिंग है और ये नीचे उसका 3D स्ट्रक्चर दिया गया है और पिरिमिडिन में कट आता है, यानी कि कट मतलब साइटोसिन सी, यूरेसिल यू, थायमिन टी, ये तीनों क्या है, पिरिमिडिन रिंग है। और पिरिमिडिन रिंग में देखो कि ये बेंजीन का जैसे ही रिंग है, मानो बेंजीन जैसी ही रिंग है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन ऐड होता है। किस नंबर पे, तो 1 और 3 नंबर पे नाइट्रोजन ऐड होता है और इसका नीचे से बेंजीन ही दौड़ना है हमको और बेंजीन के जैसे ही बॉन्डिंग करनी है, लेकिन नीचे से नाइट्रोजन लिख के और वहाँ से नंबर एंटी क्लॉकवाइज देना है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन रिंग का। और जब साइटोसिन आएगा, यूरेसिल आएगा और थायमिन आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। समझ में आ गया। अब हम आगे बात करेंगे प्यूरीन रिंग। प्यूरीन रिंग की बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से है, वो नीचे से, यहाँ से एन से ही शुरू हुई थी वन नंबर, प्यूरीन में भी एन से ही वन नंबर स्टार्ट होंगे, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट होंगे देखो, और वो एंटी क्लॉकवाइज ही नंबर है। जब हमारे एक रिंग का नंबर ख़त्म हो जाए उसके बाद 7 यहाँ से आएगा, 8 और 9, ऐसे नंबर देने होते हैं। प्यूरीन रिंग में दो रिंग होती है, एक रिंग हेक्सामर होती है और एक रिंग पेंटामर होती है, और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। प्यूरीन रिंग में नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन होते हैं, 1 नंबर के कार्बन पे, 3 नंबर के कार्बन पे, 7 नंबर पे कार्बन पे और 9 नंबर के कार्बन पे 4 नाइट्रोजन होते हैं। कितने नाइट्रोजन होते हैं, 4 नाइट्रोजन होते हैं। और प्यूरीन रिंग में AG मतलब एडेनिन एंड गुआनिन, ये प्यूरीन रिंग का 3D स्ट्रक्चर है। अब आपको प्यूरीन रिंग समझ में आ गई होगी। अब देखो राइबोस शुगर
हम केमिस्ट्री में और अभी तक पढ़ते ही आए हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों हेक्सोज के पेंटोज शुगर है। यस, हेक्सोज शुगर है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे? फॉस्फेट, किसमें? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, तब जाके बनेगा न्यूक्लिक एसिड। तो हमने अब बात कर ली कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या आएगा। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या आएगा। आपको पता ही होगा, जैसे कि डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिमूव होता है, इसलिए डीऑक्सी उसे कहा जाता है। अब हमने प्यूरीन और पिरिमिडिन के बारे में बात की, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में अब हम यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या बात की। शुगर, फॉस्फेट ये रहा, नाइट्रोजन बेस ये रहा, ये क्या है, डीएनए की रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, और ये आरएनए की स्ट्रक्चर में के बारे में बता रहा है, और ये डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होते हैं वो बेसिस है। पता चला? तो अब हम आगे बात करेंगे कि डीएनए में कौन कौन से प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। तो डीएनए में थायमिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन होते हैं, थायमिन पिरिमिडिन होते हैं, और आरएनए में यूरेसिल पिरिमिडिन होते हैं। ओनली डिफरेंस इन पिरिमिडिन रिंग डीएनए और आरएनए में। पिरिमिडिन थायमिन हो डीएनए में होता है, पिरिमिडिन थायमिन हो तो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, और पिरिमिडिन यूरेसिल हो तो वो आरएनए का स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हमने बात की कि नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पिरिमिडिन ऐड होंगे कैसे और कहाँ। तो नाइट्रोजन बेस है ये थायमिन है, डीएनए में होगा। एडेनाइन, गुआनिन और साइटोसिन ये भी डीएनए और आरएनए दोनों में होगा, लेकिन ये यूरेसिल ओनली वन इन आरएनए होगा, तो यूरेसिल में थायमिन नहीं होगा। और शुगर, टू डीऑक्सी राइबोज शुगर, कौन सी शुगर होती है? टू डीऑक्सी राइबोज शुगर इन डीएनए। और फॉस्फेट स्ट्रक्चर ये रहा, और राइबोस शुगर ये रहा, ये रही राइबोस शुगर। तो ये स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है ड्रॉ करने के लिए, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया कि बॉन्डिंग के बारे में। डीएनए में बॉन्डिंग क्या होते हैं? ए टी जी सी होते हैं। क्या होते हैं? ए टी और जी सी होते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होते हैं। और उसमें डीएनए में ए टी बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग होते हैं। कितने बॉन्डिंग? डबल बॉन्ड। और जी सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये डीएनए है इसलिए थायमिन है, अगर आरएनए हो तो एक के साथ कौन बाइंडिंग होगा? यूरेसिल। तो पता चला आपको? और ये बॉन्डिंग कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ए टी डबल बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और जी सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये डिस्कस हो गए। अब हमने बात की डीएनए के बारे में, और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम ज़्यादा डीप में देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड तो बन गया, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर बन गया, और बॉन्डिंग के बारे में बात की, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सीक्वेंस के बारे में बात की
कि ए की बॉन्डिंग टी के साथ होगी और जी की बॉन्डिंग सी के साथ होगी, डीएनए हो तो, और आरएनए हो तो ए की यू यू के साथ बाइंडिंग होगी। तो ये अब हम बात करने वाले हैं डीएनए स्ट्रक्चर एंड इट्स एंटी पैरेलल नेचर। एंटी पैरेलल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ कैसे बाइंडिंग होगा, और एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ये डीएनए स्ट्रक्चर का। तो हमने बात की, फॉस्फेट दिखा दे रहा है ये ग्रीन रंग का, और शुगर ये है, और नाइट्रोजन बेस है। तो इसकी तो बात हमने एक यूनिट की तो बात कर ली। अब ये सारे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं और कैसे जुड़े जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये रहा बीच में जी सी, कितने बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग। ए रहा ए टी, कितने बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग। लेकिन ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, यानी कि ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और ये ड्यूअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। और ये फॉस्फेट शुगर और फॉस्फेट के बाद शुगर और फॉस्फेट के साथ जो बाइंडिंग होता है वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और उसे बैक बॉन्ड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बैक बॉन्ड। शुगर एंड फॉस्फेट के साथ जो बॉन्डिंग होता है उसे कहा जाता है बैक बॉन्ड। और रंग्स ऑफ लीडर्स नाइट्रोजन बेस है, जो लीडर लीडर यानी कि निशन, लीडर के जैसे, निशन के जैसे दिखाई दे रहा है ये लीडर के जैसे, वो क्या है, नाइट्रोजन बेस है। हाइड्रोजन्स बॉन्ड होल्ड साइड्स ऑफ लेडर टूगेदर, और ये बेस को कौन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको अब ये पता चल गया कि एंटी पैरेलल नेचर कैसा है डीएनए का, डीएनए का स्ट्रक्चर, ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल गया। और ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएस डीएनए है, और वैसे भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। हमको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसका स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमने बात की वही है इसमें, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसका ये हेलिक्स शुगर फॉस्फेट है, ये हेलिक्स हेलिक्स है, वो शुगर फॉस्फेट के साथ बाइंडिंग हुआ है। रिबोन्यूक्लिक एसिड है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनाइन, यूरेसिल, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर है, ये भी वही स्ट्रक्चर है, बेस पेयर कहा जाता है। और न्यूक्लियोबेसिस, जो हमने बात की न्यूक्लियोबेसिस के बारे में आपको समझाए, यही स्ट्रक्चर है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन सेल, यानी कि हमने डीएनए के एक छोटे फ्रैगमेंट के बारे में बात कर ली, लेकिन ये डीएनए ऑर्गेनाइज कैसे होता है सेल के अंदर, कितना लंबा और कैसा होता है और किस में होता है। तो हम सभी को पता है कि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। डीएनए एग्जिस्ट एज अ ड्यूअल हेलिक्स इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं। द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्कल एंड ऑलमोस्ट डीएनए
प्रोकैरियोट्स सर्कुलर डबल हेलिक्स, प्रोकैरियोट्स डीएनए में सर्कुलर डबल हेलिक्स डीएनए, और दिस हेलिक्स ट्विस्ट इनटू सुपर कॉइल डीएनए। जो हेलिक्स होते हैं और वो हेलिक्स फिर से ट्विस्ट होके जुड़ जाते हैं, इसके लिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सुपर कॉइल डीएनए जैसा स्ट्रक्चर होता है, बन जाता है। इज एसोसिएटेड विथ बेसिक प्रोटीन बट नॉट विथ द हिस्टोन फाउंड कॉम्प्लेक्स विथ ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक डीएनए। बेसिक प्रोटीन होते और यूकैरियोटिक डीएनए में नहीं होता, प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। हिस्टोन लाइक प्रोटीन टू अपीयर टू हेल्प ऑर्गेनाइज बैक्टीरियल्स डीएनए इनटू अ कॉइल क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल डीएनए कॉइल लाइक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाता है। अब हिस्टोन क्या है, हमने हिस्टोन के बारे में बात की कि वो होता क्या है हिस्टोन। तो हिस्टोन इज द एसोसिएटेड विथ वैरायटी ऑफ प्रोटीन विच आर हिस्टोन। जो प्रोटीन से घिरा हुआ है, एसोसिएटेड है प्रोटीन से, वैरायटी ऑफ प्रोटीन से, उसे डीएनए के अंदर उसे कहा जाता है हिस्टोन। सिंपल डेफिनेशन है। अब दूसरी है कि स्मॉल बेसिक प्रोटीन रिच इन द एमिनो एसिड लाइसिन एंड और आर्जिनिन, कि लाइसिन और आर्जिनिन स्मॉल बेसिक प्रोटीन हिस्टोन के अंदर होता है। हिस्टोन फाइव टाइप्स के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। जब ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तब उसे एलिप्सॉइड कहा जाता है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल फॉर्म एन एलिप्सॉइड। तो ये फिगर दी हुई है वो हिस्टोन की फिगर है। ये देखो कि ये रेड है वो डीएनए है, और ये बीच में H2A, H2B और H4, H3, और ये साइड में जो हिस्टोन है वो H1 हिस्टोन है। और ये सारा स्ट्रक्चर जब जाके बनता है तब क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। अब हम उसके ही बारे में बात करेंगे। और ये 8 हिस्टोन बनता है तब उसे क्या कहते हैं, एलिप्सॉइड। क्या कहते हैं, एलिप्सॉइड। तो ये क्या है, एलिप्सॉइड, 8 हिस्टोन एलिप्सॉइड। न्यूक्लियोसोम, अब न्यूक्लियोसोम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन प्लस डीएनए इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। डीएनए न्यूक्लियोसोम वो कॉम्प्लेक्स है कि जिसमें हिस्टोन और डीएनए एक दूसरे में आ जाते हैं। यानी ये मैंने आपको बताया, ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसोम। तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स के जिसके अंदर डीएनए और हिस्टोन दोनों आ जाते हैं उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं कि डीएनए में स्ट्रेच लाता है। न्यूक्लियोसोम क्या लाते हैं, डीएनए में स्ट्रेच लाते हैं, और बीड भी, कई बार ये बीड है वो भी
डीएनए में स्ट्रेच लाते हैं, वो स्ट्रेच डीएनए करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्टोन के, हिस्टोन में, वो H1 हिस्टोन का है। H1 हिस्टोन के आगे से डीएनए क्या होता है, फोल्ड होता है। H1 हिस्टोन के आगे से डीएनए फोल्ड होता है, होते हैं। H1 हिस्टोन एसोसिएटेड विथ लिंकर रीजन, H1 हिस्टोन लिंकर रीजन से एसोसिएटेड होते हैं, और वो 28 फोल्ड ऑफ डीएनए इनटू मोर कॉम्प्लेक्स क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। और ये 28 फोल्ड होते हैं तब जाके एक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। तो इसमें कौन पार्ट करता है, H1 हिस्टोन। अब हम आगे बात करेंगे डीएनए फॉर्म्स। डीएनए फॉर्म्स देखा जाए तो डीएनए आपके नॉलेज के खातिर डीएनए ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, इतने फॉर्म के होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, लीनियर, सर्कुलर के बारे में ही आपको, और कॉइल के बारे में जानना है। तो यहाँ पे ये फिगर प्रेस कोड की है, डीएनए फॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट वाली जो फिगर है, ये ए वाली फिगर, उसमें डीएनए डबल हेलिक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया इज इन द शेप ऑफ क्लोज सर्कल। ये डीएनए फॉर्म कौन सा है, क्लोज सर्कल डीएनए फॉर्म्स है। और दूसरा फॉर्म है द सर्कुलर डीएनए स्ट्रेन ऑलरेडी कॉइल, कि वो ये क्लोज सर्कल डीएनए है और वो फर्दर ट्विस्ट होते हैं। क्या होते हैं, फर्दर स्ट्रीट होते हैं। और डबल हेलिक्स कॉइल बनाते हैं, डबल हेलिक्स कॉइल बनाते हैं। और उसके बाद सेकंड ट्विस्ट होते हैं, मानो कि ये फर्स्ट ट्विस्ट हो गया और उसके बाद सेकंड ट्विस्ट होते हैं, तब जाके ये क्या बनाते हैं, सुपर कॉइल फॉर्म्स बनाते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म्स है डीएनए, डबल हेलिक्स सर्कुलर फॉर्म्स। ये क्या है, ओनली ये डबल हेलिक्स सर्कुलर, ये ओनली ये डीएनए डबल हेलिक्स सर्कुलर फॉर्म्स है, और ये सुपर कॉइल फॉर्म्स है। सुपर कॉइल फॉर्म्स में क्या होता है कि ये राउंड है, एक बार क्या हुआ, फोल्ड हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, कॉइल कहा जाता है। और फिर से ये राउंड ही डीएनए है, एक बार राउंड लगा के दूसरी बार राउंड लगाता है, तो क्या बनता है, सुपर कॉइल फॉर्म डीएनए। तो हमने इस वीडियो में जीन स्ट्रक्चर के बारे में और डीएनए स्ट्रक्चर और आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब आगे के दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।